सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जो व्यक्ति सफलता की प्राप्ति चाहता है वह छोटी छोटी समस्याओं और असफलताओं से कभी नहीं घबराता। जज्बा रखो सच और झूठ को परखने का। कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देता है। आज का पंचांग 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार, माघ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि शाम 4:07 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 7:35 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:26 से 4:49 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:18 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर सुबह 7:35 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। षटतिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मीन राशि 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार। दिन शुरुआत में बहुत अच्छा, बाद में थोड़ा व्यस्त रह सकता है। घर पर कोई बीमार पड़ सकता है और आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उनकी देखभाल के लिए समय निकालना होगा। आपको सहकर्मियों या दोस्तों से खुशी मिलेगी और आप आने वाले समय में उनके साथ समय बिताने की योजनाएं बना सकती हैं। पिछले कुछ समय से आप जिस लक्ष्य के लिए प्रयासरत हैं वह हासिल होगा। नवीन कार्यों से जुड़ी योजना बनेगी और ये योजनाएं जल्द ही पूरी होगी। विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। व्यक्तिगत जीवन संबंधित अपेक्षाएं पूरी न होने से नकारात्मकता बनी रहेगी। दिन के शुरुआत में नुकसान होने की संभावना है जिसके कारण चिड़चिड़ापन और बेचैनी भी रहेगी। अपने जीवन में सुधार करने के लिए पूरे डिसिप्लिन के साथ प्रयत्न करने की आवश्यकता है। काम की जगह कुछ निर्णय आपके विरुद्ध लिए जा सकते हैं। फिलहाल स्थिति को समझते हुए काम में बदलाव करें। परिवार आपकी रिलेशनशिप का विरोध कर सकता है। जीवन में बढ़ रहे तनाव का सेहत पर असर होगा। सावधानियां, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं, इसलिए सोच विचार करके ही किसी निर्णय तक पहुंची। अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। बच्चे फालतू गतिविधियों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी में आपसे सामंजस्य का अभाव रहेगा। इसका असर पारिवारिक व्यवस्था पर हो सकता है। आपके किसी आकर्षक अजनबी से अजीब और छोटी सी मुलाकात हो सकती है। आप सावधानी से अपनी मीठी बातों और आकर्षण से उन्हें अपनी तरफ खींच पाएंगी और उनके साथ इन्वॉल्व भी हो जाएंगी। लेकिन ऐसे संबंधों को किसी रिश्ते में तब्दील होने की उम्मीद मत कीजिए। कोई गहरा अर्थ तलाश करने की जरूरत नहीं है। फ्लड का मौसम है और आप अभी इसका मजा ले सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आप एक लंबे समय से सीधे और संकीर्ण रास्ते में कठिन काम कर रहे हैं, लेकिन आज आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए प्रवंचना या चतुराई का सहारा ले सकते हैं। हालांकि ये एक अनावश्यक जोखिम है जो आसानी से आपके तंत्र को पहचान लेंगे और इसे अपराध के रूप में लेंगे और आपने जो सालों से प्रतिष्ठा कमाई है वो आप गंवा सकते हैं। कारोबार में विस्तार संबंधित योजनाओं पर विचार विमर्श होगा। साथ ही वर्तमान व्यवसायिक गतिविधियां पूर्ववत चलती रहेगी। विदेश से संबंधित कारोबार में निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें। ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एकाग्रता और मेहनत की भी जरूरत है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां रहेगी। महिलाएं जोड़ों के दर्द से परेशान रहेंगी। आपसे कितना भी तेज गति से काम करने की उम्मीद क्यों की जाए, आप आराम से सब काम पूरे कर पाएंगी। हालांकि यह आपको भी मानना होगा कि अगर आपका मूड अच्छा है तो आप समस्याओं को और भी अच्छे तरीके से सुलझा पाएंगे। इससे आपको नए जोश की अनुभूति भी होगी। आपको ठंडे इसी तरह की कोई अन्य तकलीफ भी हो सकती है जो कम समय तक रहने पर भी तकलीफ देगी। इसका ध्यान रखें कि आप क्या छू रहे हैं और कई बार अपने हाथ धो लें। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय।
गरीबों को आज दान पुण्य करें शुभ रहेगा, हो सके तो गेहूं का दान करें। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।